कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण से ही सरकार ने देश के सभी मंदिरों को बंद करने के आदेश दिए थे। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अभी तक सार्वजनिक स्थलों और मंदिरों को खोलने के आदेश नहीं हैं। सावन माह शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के अन्य मंदिरों की तर्ज छोटी काशी मंडी में भी श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल अभी मंदिर बंद ही रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के चलते सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सरकार ने लिया है। छोटी काशी मंडी के प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मठ मंदिर में भी इस बार श्रद्धालुओं की बड़ी बड़ी कतारें देखने को नहीं मिलेंगी। गौरतलब है कि सावन माह में बाबा भूतनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का यहाँ पर हर दिन तांता लगा रहता था। बाबा भूतनाथ मंदिर मठ के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि बाबा भूतनाथ मंदिर में श्रावण माह के शुरू होते ही विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सामाजिक दूरी को मद्देनजर रखते हुए मंदिर के कपाट अब बंद ही रखे गए हैं। मंदिर मठ के महंत देवानंद सरस्वती ने कहा कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सावन माह में बाबा भूतनाथ मंदिर के कपाट बंद रहे हों। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए फिलहाल अभी मंदिर बंद ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी परंपराएं हैं उनको निभाया जा रहा है। यदि परंपराओं में कोई विघ्न रहती है तो उसको आने वाले समय में पूरा कर दिया जाएगा। जी बाबा। जय शंकर। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश, आज श्रावण का शुरुआत है और मंदिर बंद है लॉकडाउन की स्थिति में। जैसे हर वर्ष श्रावण मास बहुत धूमधाम से बाबा भोलेनाथ महादेव जी को एक विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता था, इस बार मंदिर बंद होने के चलते साधारण रूप से जो बाबा का पूजन अभिषेक जो भी परंपरागत पूजन है वो सब किए जाएंगे और पब्लिक के लिए दर्शन के लिए मंदिर नहीं खोला गया है, जो महामारी कुछ भीषण रूप ना ले ले, इसलिए पूरे हिमाचल के जो भी अमुख मंदिर हैं उनके सबके कपाट बंद हैं। अभी विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है और इसी प्रकार श्रावण मास बहुत आराम से और पब्लिक के बिना किसी दर्शनार्थ श्रावण मास किया जा रहा है, जो भी बहुत बड़ा इतिहास के रूप में है, जो अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जो इस बार हो रहा है। बाकी और भी जो कुछ परंपराएं हैं उनमें अगर कुछ विघ्न पड़ती है तो उसको भी पेंडिंग में किया जाएगा कि जिससे पब्लिक को, जनता को, बाबा के भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।